हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 1 से 7 जनवरी की करंट अफेयर्स मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। और आपको जैसा कि पता है, वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चलाई जाती है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स जो होता है उसमें मैं जीके जीएस और मैप भी रिवीजन कराता हूँ। तो आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखनी होगी, चूँकि आप वहाँ जीके जीएस पढ़ते हो साथ में, और यहाँ पे आपको सिर्फ जीएस की करंट अफेयर्स की रिवीजन करवाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जा करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, विद इन 1 आवर मैं आपको उसे जवाब दूंगा, ठीक है। इंस्टेंट भी मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप जो भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी वीडियोज़ बेस्ट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ सबसे पहले इस पर ही आती हैं। एक ज़िला एक शिल्प अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो शिल्प आपको समझते ही हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है। तो एक ज़िला एक शिल्प अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ एंड अध्यक्ष बने हैं सुनीता शर्मा। क्या नाम है इनका? सुनीता शर्मा, और ये महिला हैं, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, सुनीता शर्मा। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्वदेशी मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दे दी गई है? विच इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल इज एक्सपोर्टेड नाउ? तो ये जो है इंडिजिनस मिसाइल, जो हमारा स्वदेशी निर्मित था, उसका अब निर्यात की परमिशन दे दी गई है। ये है आकाश। क्या नाम है इसका? आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है? आप उप चुनाव आयुक्त समझ सकते हैं, मतलब चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनके अलावे 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। उमेश सिन्हा को नए उप चुनाव आयुक्त, वाइस इलेक्टोरल ऑफिसर, या आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन में ये अपॉइंट हुए हैं। अगला है, कर्नाटक के मुख्य सचिव, अपॉइंटमेंट किसी भी एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपॉइंटमेंट किसका कहाँ होता है पूछा गया है। कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं, हु इज़ द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका? तो ये हैं रवि कुमार। क्या नाम है इनका? रवि कुमार। दो क्वेश्चन आपको 6 और 7 दिख रहा होगा, तो दोनों मैं एक दफ़ा आपको समझा दूंगा। 6 और 8, नियो स्टेंसिल एक्विजीजनड बाई, अब ये इसका मतलब होता है अधिग्रहण। अधिग्रहण नियो स्टेंसिल का किसने किया था? तो ये किया था अन एकेडमी ने। तो ये जो है नियो स्टेंसिल, ये टेस्ट प्रिपरेशन ऐप थी, पढ़ाई लिखाई वाली टेस्ट जो होती है, वो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसे अधिग्रहण कर लिया है, मतलब खरीद लिया है एक तरीके से अन एकेडमी ने। अन एकेडमी पता ही आपको। फिर बात करते हैं, हु डेवलप्ड ग्रीन प्रोपल्शन टेक्निक? ग्रीन प्रोपल्शन टेक्निक अभी डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि नासा के द्वारा, CNA मतलब चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? इसरो के द्वारा। वंडरी एक्विजीजन बाई, वंडरी को किसने अधिग्रहित किया है, अधिग्रहण किया है? तो वंडरी को अमेजन ने अधिग्रहण किया है। किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? इनसाइट टूल लॉन्च्ड फॉर टूरिज्म कंपनीज बाय विच कंपनी? तो इनसाइट टूल लॉन्च किया था किसने? गूगल ने। गूगल के स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और ये जीएस के फैक्ट्स जो मैं डेली करंट अफेयर्स में रिविजन कराता हूँ, आपको एक झलक के लिए यहाँ भी रखा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनका फाउंडिंग ईयर पूछा, जैसे फेसबुक 2004, इंस्टाग्राम 2010, ठीक है, ट्विटर 2006, व्हाट्सएप 2009, यूट्यूब 2005। तो ये ज़रूरी होता है। किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? विच स्टेट वांट्स टू सेलिब्रेट देश नायक डे? तो देश नायक डे मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। और पश्चिम बंगाल में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? 2 पोर्ट है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया और कोलकाता, ये 2 पोर्ट हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विच ऐप फॉर कोरोना वैक्सीनेशन? तो ये ऐप जो है, ये कोरोना वैक्सीनेशन का कोविन है, और इस ऐप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।
ये अब फंक्शनल है, और इससे ही किसको वैक्सीन लगेगा, कब लगेगा, उन पे मैसेज जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। पंकज मित्तल किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो पंकज मित्तल जो हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के बने हैं मुख्य न्यायाधीश। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल प्राप्त किया है, पारित किया है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड पास्ड द बिल टू लीगलाइज अबॉर्शन? अबॉर्शन को लीगलाइज करने के लिए अर्जेंटीना ने बिल पास किया है। किस राज्य ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड फार्मर वेलफेयर मिशन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहला व्यक्ति कौन बने हैं? तो 25 करोड़ ऑफ फॉलोअर ये क्रॉस कर गया है कौन पर्सन? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नरेंद्र मोदी का ऑप्शन दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है? तो ये वीडियो केवाईसी शुरू किया गया है IDBI के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चन पहले भी आए थे, ये सिर्फ एक रिवीजन सेशन है। व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, वीडियो केवाईसी IDBI बैंक ने। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया अमेरिका ने, क्योंकि ये अभी अमेरिका में ही रेजिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट चुना गया है संजय कपूर को। सीसीटीवी निगरानी में दुनिया भर में सबसे शीर्ष पे कौन है? तो चेन्नई। 20 का राइट आंसर होगा चेन्नई। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। थॉबस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थॉबस डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो थॉबस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है इम्फाल में हुआ, मणिपुर की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्फाल यहाँ मैंने कल भी मैप में दिखाया था, आज के मैप में भी मैंने डाला है। किस देश में अप्रैल 2022 के तहत हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? मतलब जो पॉइजन फूड हो या पॉइजन लाइक भी हो तो उसको प्रतिबंध कर दिया जाएगा, उसका प्रचार नहीं होगा, वो होगा UK। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो संजीव बनर्जी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, और इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कांग्रेस के, और ये बिहार के राज्यपाल थे कुछ दिनों तक, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, कृषि में नवाचार को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है एग्री इंडिया हैकाथन। एग्री इंडिया हैकाथन जो है ये कृषि मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, एग्री इंडिया हैकाथन। 26 नंबर, भारत और ADB ने किस राज्य में बागवानी का विस्तार करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बागवानी की बात हो रही है, अलग अलग चीज़ों के लिए साइन किया जाता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े बैंकों के साथ, तो ये आपको अलग अलग याद रखना होगा। जैसे आज भी मैंने एक अलग चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। तो भारत और ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, किससे? हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए, ठीक है, बागवानी वहाँ किए जाएंगे। किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया है? तो मृत्युदंड को माफ़ किया है कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 28 नंबर क्वेश्चन, 16 से 21 जनवरी ये गोवा में होता है हर साल, तो इस साल भी होगा। 29 नंबर को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो ये बन गई हैं सोमा मंडल। किस राज्य सरकार ने अपने जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? उड़ीसा का जो भी पोर्ट होगा प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किन कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये है कोवैक्सीन कोविशील्ड, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का वैक्सीन है, दिया हुआ है। किस
राज्य ने अपनी पानी के टावरों पर आईटी संयंत्र स्थापित किए हैं, तो ये हो जाएगा बिहार। नंबरिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, बिहार हो गई है ऐसा स्टेट जो अपनी पानी के टावर मतलब पानी की जो टंकी होती है उस पर आईटी संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है मुरलीधर, एस मुरलीधर विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, एस मुरलीधर विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 टॉपर इज, इस इंडेक्स में टॉपर कौन है, तो ये है जेफ बेजोस। क्या नाम है इनका, जेफ बेजोस। 34, टेस्ला सुपर चार्जर फैसिलिटी किस देश में शुरू की गई है, टेस्ला सुपर चार्जर फैसिलिटी ये शुरू की गई है चीन शंघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत मैंने ऊपर ही बताया था, ये शुरुआत किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और वीडियो KYC फैसिलिटी शुरू की गई है IDBI बैंक के द्वारा। इन विच स्टेट और UT तमिल अकेडमी इज एस्टेब्लिश्ड, तो तमिल अकादमी की शुरुआत की गई है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 37, किस देश ने अभी हाल ही में रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है, विच कंट्री अलाउड टू फ्लाई स्मॉल ड्रोन इन नाइट, तो दिस इज़ द कंट्री अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में आज़ादी मिली थी 1776 में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1789 में। और दुनिया का सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट्स की बात करने वाला देश था और उसका संविधान था तो वो था अमेरिका ही, बिल ऑफ राइट्स वहाँ फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। चौथा, वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, फोर्थ आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस, तो ये हुआ है केरल में। ब्रह्मपुत्र मुकुता ब्रिज सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो ये असम में प्रारंभ किया गया है ब्रह्मपुत्र मुकुता ब्रिज सेवा। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया है, असम में। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री गिवन स्टेटस ऑफ ग्रीन कंपनी टू विच डिफेंस कंपनी, तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये L&T डिफेंस को ग्रीन कंपनी, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन कंपनी का तमगा दिया गया है। आपको पता है कंपनीज अभी जो न्यूज़ में चल रही हैं, जैसे यहाँ तो आपने देखा L&T लार्सन एंड टॉर्बो, इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसने बहुत बड़े बड़ी इमारत बनाई है, इवन की जो सरदार पटेल की मूर्ति है उसको भी इसने ही बनाया था। लेकिन अभी जो संसद बनने वाला है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है, टाटा को दिया गया है, टाटा। ठीक है, ये याद रखना है। महिला दूतुरई किस राज्य का 38वां जिला बना है, महिला दूतुरई, तो इतना तो पता है कि ये जो है तमिलनाडु साउदर्न स्टेट में होगा, लेकिन नाम देख के आपको लगता होगा, लेकिन आपको इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों गूगल कर लीजिएगा, महिला दूतुरई। कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको खुद को गूगल करना होता है जिससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, आपको वो हमेशा याद रहे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के किस राज्य ने राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करके उनके स्थान पर सरकारी स्कूल बनाने का फैसला किया है, तो राज्य मदरसों को ख़त्म किया जाएगा असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, असम सरकार के द्वारा। ग्लोब सॉकर अवार्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी किसे दिया गया है, ग्लोब सॉकर अवार्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ये दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको दिया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला है प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 गोज टू, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 ये दिया गया VK यादव, ये रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे। कौन थे, पूर्व चेयरमैन। अभी कौन है, अभी मैंने ऊपर ही उनका नाम बताया था, 100 से है, अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग लाइव कमेंट कर सकते हैं, ये क्वालिटी चेक इन्फॉर्मेशन चेक होता है कभी कभी। हाल ही में किस राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है अभी नागालैंड को। किसको किया गया है, नागालैंड, नागालैंड के CEO, CM और यहाँ के गवर्नर दोनों ज़रूरी हैं। और CM और गवर्नर का अपडेटेड लिस्ट मैं एक लेके आ रहा हूँ, अगर ये वीडियो जल्द चाहिए, आजकल में चाहिए, तो ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताएं। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, 46 नंबर क्वेश्चन, तो इसका किया गया है लेह में। लेह कहाँ है, लेह लद्दाख आपको पता ही है, दो भागों में बटा जब जम्मू कश्मीर, तो ये दूसरा यूनियन टेरिटरी है। अगला है आइकैन अपॉन लाइट हाउस नेम्ड बुक रिटेन बाई, आइकैन अपॉन लाइट हाउस ये किताब लिखा गया शांतनु नायडू के द्वारा। किसके द्वारा, शांतनु नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत के 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इंडियाज 67th ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं लियोन मेंडोका, लियोन मेंडोका
ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020, इसमें टॉपर कौन है? लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, आपको कमेंट करना है, मैंने इसका आंसर ऊपर बताया हुआ है, तो जो भी बच्चों ने ध्यान से देखा होगा लास्ट तक, ज़रूर कमेंट करेंगे, कमेंट करने पर मुझे अच्छा लगता है। कुछ और भी क्वेरीज हो तो ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।